हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि घुटनों का दर्द चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे आपके घुटनों में गैप आ चुका हो, घुटनों की ग्रीस जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, कुशन कहा जाता है, वो घिस चुके हों, जिसके कारण घुटने आपस में टकराते हों, आपके कंधों में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, कमर में दर्द के कारण आपको चलने फिरने में मुश्किल आती हो, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये तरीका हमें पहले क्यों नहीं पता था। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में अवेलेबल है, घर में हमें मौजूद है, लेकिन हम उसका सही तरीके से सेवन नहीं करते, जिसके कारण हमें तकलीफें भी वैसे रहती हैं और हम उन चीजों का भी सेवन करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी घुटनों में दर्द होता है, आपकी उम्र ज्यादा है या कम है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घुटनों का दर्द तो आजकल सभी उम्र में हो रहा है। छोटी उम्र में भी कमर दर्द, घुटनों का दर्द शुरू हो रहा है। दोस्तों, किसी भी इंसान, चाहे वो छोटी उम्र में है या बड़ी उम्र में है, अगर शरीर के अंदर वात यानी वायु पैदा होने लग गई, तो उस इंसान के जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये दर्द मांसपेशियों में भी फैल जाएगा, नसों में भी फैल जाएगा, नसों की ऐंठन दे देगा, नसों में दर्द पैदा कर देगा और शरीर के अंदर वात यानी वायु बढ़ने से जो जोड़ों का दर्द हो रहा है वो तो रेगुलर चलता ही रहेगा। दोस्तों, जो आज तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये शरीर में वात और वायु को पैदा नहीं होने देता, शरीर से बाहर कर देता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये ना तो शरीर में वात और वायु को पैदा होने देता है, ना ही कफ को पैदा होने देता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन को दूर करके मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। दोस्तों, ये तरीका बहुत ही कारगर है। आपने इसका इस्तेमाल एक हफ्ता तो रोजाना करना है, आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। आगे आपने क्या करना है, एक हफ्ते के लिए रुक जाइए, फिर आगे एक हफ्ता इसका इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हमने इसे बनाना कैसे है और इसमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, एक बर्तन लेना है और उसे आपने गैस के ऊपर रख देना है। उसके अंदर हमने एक गिलास पानी डाल देना है। दोस्तों, सिंपल पानी मैंने यहाँ लिया है और इसके अंदर मेथी जो होती है ना, मेथी का आप पाउडर बना लीजिए या फिर आप वैसे भी मेथी ले सकते हैं, दरदरी कर सकते हैं, जैसे भी नहीं तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है। मेथी दाना इसके अंदर एक चम्मच डाल दीजिए और पानी को उबालिए। दोस्तों, मेथी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सूजन और दर्द को दूर करने का काम करती है। यहाँ हम इसका पानी तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये आएगा, क्या हम इस मेथी को रात को भिगो कर सुबह इसका पानी पी सकते हैं? तो आप पी सकते हैं, लेकिन आगे का प्रोसीजर भी जरूर जान लीजिए कि आगे इसके आगे करना क्या है, क्योंकि दूसरी एक और चीज इसके अंदर हमने मिक्स करनी है। दोस्तों, आपने इसके अंदर एक चम्मच मेथी दाना तो मिक्स कर दिया, उसके साथ हमने मिक्स करना है आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर यानी कि सूखी हुई जो अदरक होती है वो, अगर आपके पास सूखी हुई अदरक नहीं है तो आप जो नॉर्मल अदरक होती है, गीली अदरक, उसको क्रश कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए और आप उसको आधा चम्मच इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। दोस्तों, अच्छे से इसे उबाला दीजिए। मेथी का अर्क और अदरक का जो अर्क होगा वो इस पानी में चला जाएगा। उसके बाद जो ये पानी तैयार हुआ है, इसे हल्का सा आप ठंडा भी कर लीजिए, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लीजिए। इसके अंदर आप एक चम्मच शहद मिक्स कीजिए। दोस्तों, जो ये ड्रिंक तैयार हुआ है, इसका सेवन आपने करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसकी तासीर जो है वो गर्म है और अभी गर्मियां चल रही हैं फिलहाल, तो जो भी लोग इसका इस्तेमाल करें वो दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी जरूर पिएं, ताकि उनको कोई भी गर्मी से संबंधित समस्या ना हो सके। इसके अलावा सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है। अगर किसी कारण से आपके शरीर की प्रकृति, शरीर का नेचर अगर गर्म है और अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे फायदे लेना चाहते हैं, तो आप दिन में 3 बार एक एक चम्मच सौंफ ऐसे ही मुंह में डालकर चबाइए जरूर, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई गर्मी नहीं हो। इसके अलावा आप सीजनिंग फ्रूट का सेवन भी जरूर करें, जो सीजन में हमें अवेलेबल होते हैं, ताकि शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं हो सके। दोस्तों, ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, अगर आपके भी घुटनों में लगातार दर्द रहता है और आप इससे बहुत परेशान हैं, चलने फिरने में आपको मुश्किल आती है और आपके शरीर की जो प्रकृति है वो वात और वायु वाली हो चुकी है, जब आप सोकर उठते हैं तो शरीर ऐसे अकड़ा सा महसूस होता है, ऐठन सा भरा होता है, साइड लेने में या उठने में भी आपको तकलीफ होती है, तो दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों आप खुद देखेंगे कि जो काम करने में आपको मुश्किल होती थी,
सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर पलाथी लगाने में या फिर चेयर पर बैठने में आपको तकलीफ़ होती थी, वो सभी काम आप बहुत आराम से कर सकेंगे। आपको ऐसे लगता था कि आपके शरीर में इतनी वायु इकट्ठी हो चुकी है कि वो कमर का दर्द दे रही है, आपके जोड़ों में दर्द दे रही है, मांसपेशियों में दर्द दे रही है, तो वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।